रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सय्यदा फातिमा महबूबे पाक की बारगाह में आई, रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए। दुर्रतुन्नासहीन में साहिबे दुर्रतुन्नासहीन लिखते हैं, सय्यदा फातिमा फरमाती हैं मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के, सोनिया मैंने अली को राजी किया, हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूँ। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया, अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता। हुजूर फरमाते फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता, इसलिए कि तू मौला है कायनात की बीवी है, अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया उसका खामद उससे राजी होता है, उसका अल्लाह भी उसे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाज़ें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमाबरदारी करेगा, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी।